आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिसमें हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और फलाहारी खाना खाते हैं। तो चलिए नवरात्र के पहले दिन बनाते हैं साबूदाने की हरियाली खिचड़ी। सबसे पहले इसके लिए हमें ग्रीन पेस्ट तैयार करना है, जिसको हम धनिया और मिर्ची से तैयार करेंगे। ये फ्रेश कोरिएंडर हम ले रहे हैं, इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसके साथ में 3 या 4 मिर्च एज पर योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1/2 इंच का जिंजर का टुकड़ा ले रहे हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसको हमें महीन पेस्ट बनाना है, इसका जितना भी हो सकता है बारीक हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल तैयार है, इसको एक साइड रखते हैं। चलिए अब अपना साबूदाना प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, उसे साफ करके 1 कप पानी में 5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है और खिला खिला भी है। इसको हम साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमें ऐसा ही खिला हुआ और बहुत सॉफ्ट साबूदाना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे 1 चम्मच के करीब शुगर, थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और रोस्टेड पीनट का पाउडर। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीनट को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और एक पाउडर फॉर्म में ले लिया है। इसको हम 2 चम्मच के यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इससे साबूदाना बिल्कुल कहीं भी चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। इसको भी इन सबको मिला देंगे। अब चलिए पैन की तरफ चलते हैं। ये मैंने हीट कर लिया है पैन को। इसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। साबूदाना देसी घी में बहुत अच्छा बनता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा और पीनट्स। ये 1/2 कप पीनट मैंने लिए हैं, इनको इसमें फ्राई करेंगे। पीनट के चटकने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। एक बार चटकने की आवाज़ आ गई तो हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो क्यूब्स अपने ऐड कर देंगे, इनको भी इसके साथ में फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राइड टेक्सचर इसमें भी आ जाए, फिर हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। ये साबूदाना हमने प्रिपेयर किया था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको इन सब के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। सब चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, सॉल्ट, शुगर, ग्रीन चिली, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। थोड़े से किनारे पर अब इस पैन में जगह कर लेंगे और जो पेस्ट हमने तैयार किया था ग्रीन पेस्ट, वो इसमें ऐड करेंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ग्रीन पेस्ट को, ताकि सारा पानी इसका ख़त्म हो जाए और थोड़ा ड्राई टेक्सचर में आ जाए। ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसे साबूदाने में मिला देंगे। इससे साबूदाना मिर्च और धनिया का फ्लेवर भी ले लेगा और कलर भी। इन सबको मिलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साबूदाना खिचड़ी का कलर चेंज हो जाने तक इसे पकाएंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे बोल में निकाल लेते हैं। अगर आप लेमन खाते हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, उसकी कुछ ड्रॉप्स। खिचड़ी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनी है। आप नवरात्र की डाइट में इसको ज़रूर शामिल करिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।